Hello everyone. Hi, this is Mithali. Welcome back to evidyarthi.in. Chali, start karte apne next example ke saath. Now we are on page number 41, example number 12. So, find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So, now again we have another polynomial. What we have to do, k ki value nikalni hai. Theek hai? बट यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है या फिर आप कह लो कि आपके क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए क्या गिवन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर. अगर x माइनस वन फैक्टर है दैट मीन्स अगर मैं इसका रूट निकालूं यहाँ से विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वन सो वो क्या होगा अगर इस वैल्यू को मैं अपने पॉलिनोमियल में लिखती हूँ देन द होल पॉलिनोमियल विल बी इक्वल्स टू जीरो. उसका जो आंसर आएगा उसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा. क्यों? क्योंकि x माइनस वन इज अ फैक्टर दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आना चाहिए. फाइन, अगर इतना हमें पता है जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं वन की वैल्यू रख के एंड देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. सो वी नो x माइनस वन इज अ फैक्टर, है ना. हमें ये पता है कि भाई x माइनस वन हमारा फैक्टर है. Which implies, मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर अपने पॉलिनोमियल में सबसे पहले काम में ये करना चाहिए था कि इसको एक नाम दे देते हैं, let's say px, ठीक है. So this is a polynomial px. So हम क्या बोल सकते हैं, which implies कि अगर हम x की जगह पे 1 रख देते हैं तो वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल की 0 जानी चाहिए. ठीक है, so बस वही हम करने वाले हैं. सो यहाँ पर x की जगह पे सभी जगह पे हमें 1 रखना है. क्यों? क्योंकि x माइनस वन हमारा फैक्टर था. तो ठीक है, 1 का क्यूब, जल्दी से अपनी वैल्यूज को पुट करके आंसर आ जाना चाहिए आपका भी. 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, हमारा जो पॉलिनोमियल में अगर हम 1 रखते हैं सो उसका जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, सब क्या करने वाले हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0. अब भाई ये क्या कैलकुलेशन है, बहुत आसान है. एक प्लस का है 4, एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए दोनों. तो हमारे पास जो बच गया वो क्या था, ये बच गया ना. ठीक है, आगे प्लस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म है और अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव साइन ही है. ठीक है, यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालती हूँ व्हाट वी कैन डू, k would be equals to minus 3. So, हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस 3. बस इतना ही करना था इसमें, हमें बहुत इजी कर दिया था क्वेश्चन ये देखे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर. कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल मिले जिसको हमने ये बोल दिया कि भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे बड़े पॉलिनोमियल का, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो कैसा भी हो, अगर हमारे बड़े पॉलिनोमियल को हमने उसका मल्टीपल बोल दिया या फिर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अपना रूट निकालो इस पॉलिनोमियल से और उसको अपने पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करो और उसको इक्वल टू कर दो, जीरो के इक्वेट कर दो. ठीक है, उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, चलिए. सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 12. We are moving on to our another example. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.